नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, एयरफोर्स को अभी मिले हैं 8 चिंकू हेलीकॉप्टर। जी हाँ, इन हेलीकॉप्टर की क्या है खासियत, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। 8048 करोड़ के चिनूक हेलीकॉप्टर से नेस्ता नाबूद हो जाएंगे पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने। रात के अंधेरे से लेकर घने कोहरे में एक्शन लेने में है सक्षम। जी हाँ, ये हेलीकॉप्टर मिले हैं अमेरिका की तरफ से, आप एक फोटो में देख सकते हैं। जी हाँ, ये एक बड़ी गाड़ी को लेकर भी उड़ सकता है हेलीकॉप्टर। ये इतना ताकतवर हेलीकॉप्टर है कि अगर आप ट्रक को भी इसे उठाना चाहे तो ये उसे लेकर उड़ सकता है। अभी आपको बताते हैं, पाकिस्तान के बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक करके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने वाली भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा हो गया है। सोमवार को वायुसेना के 4 एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर चिनूक को शामिल किया गया। अभी और भी आने हैं। इन्हें अमेरिका कंपनी बोइंग ने तैयार किया है। भारत ने ऐसे 15 हेलीकॉप्टर लेने के लिए बोइंग के साथ तकरीबन $1.5 अरब यानी कि 8 की डील की है। जी हाँ, अभी सिर्फ 4 आए हैं, 11 हेलीकॉप्टर अभी और आने बाकी हैं। यह हेलीकॉप्टर वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। इसके जरिए पाकिस्तान की सीमा से लगने वाली ऊंची लोकेशंस में टून और मशीनरी भेजी जा सकेगी। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा, ये जिस तरह का इसमें फ़ोटो में देखा गया है, ये मशीनरी को मतलब सड़क से ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे टेक ऑफ करेंगे और वहाँ पर जाके छोड़ देंगे। 21 टन भार सहने की क्षमता, यानी कि 210 क्विंटल भार को ये लेकर उड़ सकता है हेलीकॉप्टर। चिनूक में अधिकतम 11 टन पेलोड और 45 सैनिक को भार करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त यह 10 टन का अंडरस्लिंग लोड भी कैरी कर सकता है। जी हाँ, 11 टन इसके अंदर और 45 सैनिक, या फिर 11 टन अंदर और 10 टन को बाहर से उठा सकता है। यह भारतीय सेना के M777 अल्ट्रालाइट हाउजर्स को लिफ्ट करने में मदद करेगा। रात में भी कर सकेगा ये पूरी तरह कार्रवाई। तो दोस्तों, ये है सारी इस हेलीकॉप्टर की खूबियाँ। आपको अभी इसकी कुछ तस्वीरें और दिखाते हैं। देखिए इसकी अगली तस्वीर, इसमें पीछे से यहाँ से चढ़ा जाता है। साथ ही साथ ये काफ़ी बड़ा हेलीकॉप्टर है और काफ़ी पावरफुल है। इसके बारे में आपको कुछ और बताते हैं। सेना और उपकरण पहुँचाने में आएगा काम। यह एक मल्टी मिशन हैवी लेफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, जिसके जरिए युद्ध क्षेत्र में सेना असला, बारूद, आर्टिलरी बैरियर, मल्टीरियल सप्लाई और अन्य उपकरणों को भेजा जा सकेगा। यह पूरी तरह साजो सामान से लैस इन्फेंट्री सैनिकों को खास अभियानों के लिए लाने ले जाने में सक्षम है। इसमें पूरी तरह इंटीग्रेटेड डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम है। आपदा के समय भी यह मदद पहुंचाने में है सक्षम। न सिर्फ सैन्य अभियान, बल्कि ये इसे आपदा के समय राहत पहुंचाने, लोगों को बचाने, हताहतों को ढूंढने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर लाने ले जाने के लिए, लड़ने और नागरिक विकास के कार्यों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं कह रहा था कि इससे गाड़ियों को भी उठाकर ले जाया जा सकता है। आप देखिए, ये एक गाड़ी यानी कि जो कि आर्मी की गाड़ी है, उसे उठाए हुए है और उसे लिफ्ट करके आप इसे इससे कहीं से कहीं पर भी रख सकते हैं। ये देखिए आप, 2020 तक आएंगे सभी 15 चिनूक हेलीकॉप्टर। सोमवार को चंडीगढ़ स्थित वायुसेना की 126 हेलीकॉप्टर यूनिट में 4 चिनूक को शामिल किया गया। अगले साल मार्च तक सभी 15 भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। चिनूक की अगली खेप असम के दिजन में लाई जाएगी, जिससे देश की पूर्वी बॉर्डर की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये था हेलीकॉप्टर की खासियत के बारे में एक वीडियो जो कि आपको बताना था मुझे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इस हेलीकॉप्टर से हो गई है भारतीय वायुसेना और भी मजबूत। अभी और 11 आने बाकी हैं, 4 आ चुके हैं। टोटल 15 हेलीकॉप्टर की डील हुई है ₹8048 करोड़ में। ये देखिए, यहाँ पर इसने दो गाड़ी एक साथ उठाई हुई हैं, तो देख सकते हैं आप कि इस हेलीकॉप्टर में कितना दम होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि ये 11 टन वजन को लेकर, टोटल इसकी क्षमता अगर आप देखें तो 21 टन वजन को लेकर उड़ सकता है। 11 टन ये बाहर भी लटका के उड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपना वोट जरूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।